बाड़मेर शहर में बढ़ते कोरोना ग्राफ के बाद प्रशासन ने 7 दिनों तक शहर में लॉकडाउन कर दिया। लॉकडाउन के बाद भी शहर में लोग आराम से घूम रहे हैं। मंगलवार को पुलिस के जवानों ने अहिंसा सर्किल, चौहटन रोड, सिंदरी सर्किल सहित कई जगहों पर कार्रवाई की। पुलिस ने प्रत्येक वाहन को रुकवाकर पूछताछ की, साथ ही बगैर कोई काम के घूम रहे वाहन चालकों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की। बाड़मेर में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने बाड़मेर शहर में 7 दिन की अवधि के लिए कर्फ्यू की घोषणा कर रखी है। कर्फ्यू के दौरान बेवजह घूमने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त नजर आ रही है और शहर भर के मुख्य बाजारों में पुलिस के गश्ती दल भ्रमण कर अनाउंसिंग के माध्यम से लोगों को घरों में रहने की हिदायत दे रहे हैं। वहीं मुख्य चौराहों से गुजरने वाले वाहन चालकों से भी यातायात सख्ती से पूछताछ कर रही है। मंगलवार को कर्फ्यू के तीसरे दिन शहर के अहिंसा सर्कल पर पुलिस के गश्ती दल के साथ यातायात के जवान तैनात नजर आए। पुलिस ने यहां से आवाजाही कर रहे वाहन चालकों से सख्ती से पूछताछ करने के साथ बिना नंबरी, बिना लाइसेंस एवं बिना मास्क वाले वाहन चालकों के चालान काटे। वहीं वाहन चालकों से मेडिकल एडवाइजरी की पालना के साथ साथ यातायात नियमों का पालन करने की हिदायत दी। आपको बता दें कि बाड़मेर में हुए कोरोना विस्फोट के बाद जिला प्रशासन ने बाड़मेर शहर में आगामी शुक्रवार तक कर्फ्यू लगा रखा है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कर्फ्यू की घोषणा के बाद से ही पुलिस अधिकारियों के साथ यातायात पुलिस के जवान भी सक्रिय नजर आ रहे हैं। पुलिस के वाहन जहां शहर के अलग अलग इलाकों में भ्रमण कर कर्फ्यू की पालना करवा रहे हैं, वहीं यातायात पुलिस शहर के मुख्य चौराहों से गुजरने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्ती से पेश आ रही है।